कुछ दिन पहले गुजरात में भक्ति बूढ़ी हुई, भक्ति का अभाव हो गया। भगवान इस धरती पर जब कोई कमी ज्यादा होने लगती है तो उसका पूरा करने के लिए कोई ना कोई अवतार में अवतार धारण करके धरती पर आ जाते हैं, अभी भी आते हैं। गुजरात में जब भक्ति बूढ़ी होने लगी और भक्ति नष्ट प्राय हो चुकी थी, गुजरात में किसी संत को और किसी भक्त को देख लें तो दूर से ढेला मार देते थे लोग। चंदन लगाए कोई मिल जाए तो चंदन नहीं पोंछ देते थे। ये बहुत दिन पहले की बात है। भक्ति का अभाव हो गया था गुजरात क्षेत्र में, तो परमात्मा ने भक्त के रूप में अवतार लिया। उनका नाम है नरसिंह मेहता, आप लोगों ने सुना होगा। नरसिंह मेहता की कथा भक्तमाल की कथा में तमाम भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा बताई गई है। नरसिंह मेहता जी गुजरात की धरती पर पैदा हुए और उस गुजरात की धरती पे साहब ऐसा भक्ति का रंग घोला, पूरा गुजरात का एक एक गांव, एक एक गली और एक एक घर भगवान का भक्त हो गया। बोलो भक्त और भगवान की जय। अगर गांव में, क्षेत्र में, एरिया में कोई एक भक्त हो जाए तो पूरा क्षेत्र भक्त हो जाता है। ये भक्त की महिमा है। गुजरात क्षेत्र में नरसिंह महाराज ने ऐसा भक्ति का रंग घोला कि एक एक व्यक्ति भक्त बन गया भगवान का। ये नरसिंह जी की महानता है। अच्छा, भक्त कष्ट बहुत पाता है। नरसिंह जी महाराज ने पूरे गांव को भक्त बना दिया, लेकिन नरसिंह महाराज के पास में एक कौड़ी भी नहीं थी। जिस नरसिंह मेहता के भगवान सांवरिया सेठ श्याम सुंदर खुद सेठ बन करके गए और नरसिंह के बेटी के विवाह में भगवान उनकी बेटी के भाई बन करके और उनका भात भरने का कार्य पूरा किया, ये सांवरिया सेठ की कला है। किसी भी गरीब और किसी भी दुखी व्यक्ति को भगवान कभी दुखी नहीं रहने देते हैं। ये भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा अपने भक्तों के ऊपर होती है। आप लोगों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे भक्तों के जीवन में घटित होता है, अगर आपका रिश्तेदार कोई अमीर होगा तो गरीब की कदर नहीं करता है। अगर कोई आपका पड़ोसी ज्यादा धनी होगा तो गरीब की कदर नहीं करता है। नरसिंह महाराज बहुत गरीब थे, पहले तो सेठ थे, लेकिन भगवान के जब से भगत बने तो गरीब हो गए, क्योंकि भगत को धन दौलत से मतलब नहीं होता है। नरसिंह महाराज भगत बने तो अपनी जितनी संपत्ति मिली थी अपनी बेटी के विवाह में दान कर दिया, एक भी कौड़ी अपने घर में नहीं रखा। आजकल तो बेटी के दहेज में जो मिलता है दहेजा, उसको भी लोग घर में रख लेते हैं। नरसिंह मेहता ने अपनी बेटी का जो भी मिला हुआ धन था, अपने बंटवारे में सारी संपत्ति अपनी बेटी को दान कर दिया और दशा वो हो गई कि नरसिंह मेहता को भोजन नहीं मिलने लगा। दोनों पति पत्नी दुख में जीवन व्यतीत करने लगे, उनके शरीर में कपड़े नहीं रह गए। महाराज उनके खाने के लिए कोई अन्न नहीं मिला। संजोग से जब उनकी बेटी की शादी होने का समय आया तो उनके समधी ने मजाक उड़ाने के लिए बहुत बड़ा लिस्ट भेज दिया, अगर बेटी का मायका गरीब हो और बेटी के मायके वाले कोई भी व्यवस्था करने में असमर्थ हो और ससुराल वाले बेटी का अपमान करना चाहें तो बेटी के बड़े दुख का समय होता है। नरसिंह जी के
समधी जी ने लिस्ट बनाया और उनकी बेटी बड़े जोर जोर से रोने लगी। बेटी ने कहा, मेरे बाप को भोजन नहीं है, मेरे बाप को खाना अटता नहीं है और मेरे ससुर जी ने इतना बड़ा लिस्ट बना दिया है, मेरा बाप कहां से लाके देगा, मेरे बाप को समाज में अपमानित होना पड़ेगा। मजाक करने के लिए समधी ने लिस्ट भेज दिया। नाई लिस्ट लेकर के पहुंचा और नाई जैसे लिस्ट लेकर के पहुंचा बताने लगा, नरसी जी ने अपनी पत्नी से पूछा। नरसी जी ने कहा कि घर में कुछ खाने के लिए है क्या। नरसी जी की पत्नी जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, स्वामी घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो नरसी जी ने कहा कि ये अतिथि आया है क्या, भूखा लौट जाएगा। घबराने लगे, गए जंगल में दौड़ करके लाए, समय ठंडी का था, कुछ बथुआ तोड़ करके लाए। तब तक भगवान को लगा कि मेरे भक्त का अपमान हो जाएगा, मेरे भक्त का सम्मान चला जाएगा। भगवान एक सोने की थाली में लेकर के आए भोजन और उस नाई के पास बैठकर नरसी के भेष में कहा कि भोजन ग्रहण करो। नाई बड़ा प्रसन्न हुआ और नाई ने कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी जीवन में नहीं किया, आज इतना बढ़िया भोजन प्राप्त हुआ है। नरसी के जब तक लौटे बथुआ तोड़ करके तब तक नाई भोजन कर चुका था। भगवान ने कहा कि हमारे यहां परंपरा है, जो नाई आकर के अतिथि के रूप में भोजन करता है, वो भोजन करने वाले अतिथि के लिए हमारे यहाँ के जो भी खाए हुए बर्तन होते हैं उन्हें भेंट कर दिया जाता है। भगवान सोने का लोटा और सोने की थाली उस नाई को भेंट कर दिया। नरसी महाराज रोने लगे कि मैं नाई को खिला नहीं पाया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नरसी महाराज आकर के रोने लगे कि मेरे पास गरीबी थी, मैं भोजन नहीं करा सका, असमर्थ हूं, लेकिन मेरी बेटी से कह देना कि तेरा बाप तेरे दरबार में आएगा जरूर। गरीबी है लेकिन ये मत सोचना कि तेरा बाप तेरे दर पर नहीं आएगा, गरीब है लेकिन पहुंचेगा जरूर। बेटी को बोलना चिंता ना करे, बेटी जैसे नाई को देखी और गांव में नाई पहुंचा घर पे तो छत पर दौड़ करके रोने लगी कि लगता है खाली हाथ लौट आया होगा, मेरे बाप के पास में कोई व्यवस्था नहीं। और जैसे ही नाई ने वो थाली सोने की और लोटा दिखाया, बेटी खुशी से भर गई और खुशी के आंसू सोने लगे कि बाप तेरे पास सोना कहां से आ गया, जिसके जीवन में भोजन नहीं अटता है वो सोना कहां से दान करेगा। लगता है मेरे बाप के ऊपर भगवान की कृपा हुई होगी कुछ। नरसी मेहता अपने बैलगाड़ी को लेकर के अपने बेटी के हर रास्ते में जाने लगे। गांव वालों ने मजाक उड़ाने के लिए नरसी जी को बूढ़े बैल दे दिए, भगवान बैल बन गए और बैल बन करके गाड़ी को लेकर के उनके बेटी के स्थान तक पहुंचा दिया। नरसी महाराज पहुंचे वहां और बेटी अपने बाप को देख करके बोली कि आप क्यों आए थे, जब आपके पास में कुछ नहीं था तो मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए थे। बेटी ने अपने बाप को देख करके बड़ी जोर से रोकर कहा कि आप ये क्या दशा हो गई, आपके शरीर में कपड़े नहीं है, आपने मेरा मजाक उड़वा दिया। नरसी मेहता ने भगवान का नाम लेकर कहा, बेटी चिंता मत करो, भगवान किसी की लाज जाने नहीं देता है, शायद प्रभु कृपा करेगा, मेरा सेठ जरूर आएगा। दूसरे दिन सवेरा हुआ, भात भरने का समय नजदीक आया और नरसी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय एक मुनीब आकर के पहुंचा, बोले कि बता दो नरसी महाराज का सेठ आ गया है। सेठ की बात सुन करके नरसी महाराज दौड़े, भगवान श्याम सुंदर सांवरिया के वेश में
गाड़ी भर सामान लेकर के पहुंचे थे और उनके समधी को बुलाया और कहा कि आपने जो लिस्ट दिया है उस लिस्ट को बताइए। समधी महाराज लिस्ट बताने लगे, सोने के सिलवट्टा लिखाए थे, बोरा में सामान हल्दी चावल सभी परिवार के कपड़े। भगवान ने कुबेर को बुलाया और बोले इन्होंने दो लिखा था इनको चार दो, सोने का सिलवट्टा सोने का बर्तन सोने की थाली सोने से मढ़ा हुआ साल भगवान अपनी बहन को नरसी की बेटी को अर्पण किया और सोने का साल अर्पण करके अपनी बहन को कहा और जितने गांव के लोग आए हुए थे सभी गांव के लोगों को और वहां पर आए हुए जितनी प्रजा थी सबको सांवरिया सेठ ने कपड़ा आदि दान किया, जिसे जो चाहिए था वो दिया, पूरे गांव के लोगों को बांटा। जो लोग सोते रह गए वो सोचने में पड़ गए, पता लगा रास्ते भर जब चलने लगा तो बांटने लगे भगवान। लेकिन जो सेठ लिस्ट बना के भेजा था उसने कहा कि प्रभु मैं समझ गया आपकी माया, आप भोजन करें। भगवान बोले मैं ऐसे घर में भोजन नहीं करता हूं, मैं तो नरसी जैसे भक्त का भोजन करता हूं, ऐसे भक्त का मैं भोजन ग्रहण करता हूं, मैं ऐसे धनी का भोजन ग्रहण नहीं करता हूं। और छोड़ करके वहां से नरसी महाराज अपनी बेटी का सम्मान करके और भगवान जैसे भाई बने और चले आए। भगवान के भक्तों के लिए कमी नहीं है, आज भी ऐसे नरसी महाराज भक्त हुए और पूरे धरती पर नाम हो गया और पूरे गुजरात में भक्ति का ऐसा आनंद बिखेर दिया कि घर घर में भक्ति का गुणगान होने लगा, भगवान की चर्चा होने लगी। एक एक गुजरात का भक्त करोड़ों रुपया भगवान के नाम पर खर्च करने लगा। हमें 10 रुपया भगवान के लिए देने के लिए कष्ट होता है, एक बार भगवान के लिए कलेजा शुद्ध करके देख, भगवान तेरे सोने के भंडार भर देगा। ये भगवान सांवरिया सेठ के घर में कोई कमी नहीं है। हमें आपको लगता है कि हमने दिया है तो क्या मालूम गरीबी हो जाएगी, लेकिन आप एक बार दिल मजबूत करो और कभी प्रभु के शरण में आकर देख लो, जैसे नरसी का भात भरा था शायद आपके भंडार भी भर देगा। ये भगवान की महिमा है, भगवान के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ये भगवान की महिमा होती है।